पेट्रोल की चोरी कैसे होते हैं। दोस्तों आज हम आपको पेट्रोल की चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पेट्रोल की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जरा सोचिए ऐसे में अगर पेट्रोल के मालिक ही पेट्रोल चोरी करने लगेंगे तो फिर आम आदमियों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए हम आपको बताते हैं कैसे पेट्रोल की चोरी की जाती है। पेट्रोल की चोरी के पीछे मालिकों के साथ साथ वहां के कर्मचारियों का भी कितना बड़ा हाथ होता है। आपको बता दें कि पेट्रोल चोरी होने के मामले में दिल्ली का भारत में तीसरा स्थान है और आपको उत्तर प्रदेश का चेप कांड तो याद ही होगा, जहां चेप के जरिए लाखों करोड़ों रुपए के पेट्रोल की चोरी हो रही थी। इसकी जानकारी खुद भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी थी। आपको जानकर हैरानी तो जरूर होगी कि दिल्ली में अप्रैल 2014 से लेकर दिसंबर 2017 तक 785 से भी ज्यादा पेट्रोल चोरी के मामले सामने आए हैं। ऐसे ही कुछ तरीके हैं जिससे पेट्रोल को चोरी किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो तरीके। नंबर वन, रीडिंग मशीन। मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए गए और वहां आपने 500 का तेल अपनी गाड़ी में डलवाया, जिसमें 1.25 मिनट का टाइम लगता है और आपका पूरा ध्यान सामने लगी मशीन की रीडिंग पे होता है। इसी बीच अगर पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मात्र 10 सेकंड के लिए भी पाइप को बाहर निकाला तो आप समझ लीजिए कि आपको 500 में से 50 से लेकर 100 रुपए तक की भारी चपत लग चुकी है। नंबर टू, चिप के जरिए पेट्रोल की चोरी। आप शायद सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि एक चिप के जरिए से पेट्रोल की चोरी कैसे हो सकती है, पर यह सच है। ये चिप पेट्रोल पंप की मशीन में लगाई जाती है। ये आकार में बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से ये आसानी से दिखाई भी नहीं देती। और एक खास बात इस चिप की यह है कि यह रिमोट कंट्रोल से चलती है। इस चिप को पेट्रोल के मालिकों ने बहुत ही बड़े और अनुभवी इंजीनियरों की मदद से बनवाया है। ये चिप ऑटोमेटिकली काम करती है। इस चिप को पेट्रोल की मशीन में फिट किया जाता है। इस चिप का रिमोट पेट्रोल के कर्मचारियों के पास होता है, जिसकी सहायता से ये चिप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कभी कोई अधिकारी यहाँ पेट्रोल पंप पे छापा मारने आ भी जाए तो ये पेट्रोल कर्मचारी इतने शातिर होते हैं कि ये रिमोट से उस चिप को ऑफ कर देते हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही ये अपने इस पेट्रोल चोरी के काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी चिप से उत्तर प्रदेश में कई पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल की चोरी की जा रही थी। वहां इसी चिप के जरिए से रोजाना लाखों करोड़ों रुपए का चूना ग्राहकों को लगाया जा रहा था, जिससे ग्राहक अनजान थे। इस चिप का ऑटोमेटिकली तरीके से काम करना एक बड़ी वजह माना जाता है, क्योंकि इससे किसी भी ग्राहक को पेट्रोल की चोरी का पता नहीं लग पाता, जिसकी वजह से तेल बहुत कम मात्रा में टंकी तक पहुंचता है और ग्राहकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल कर्मी हमें अपनी बातों में लगा देता है, जिससे कि हमारा ध्यान भटक जाए और पेट्रोल भरने से पहले हमें पेट्रोल मशीन की तरफ देखने को कहता है, जहां पहले से ही मीटर पे जीरो होता है, जिससे हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है और पेट्रोल की चोरी नहीं हो रही। नंबर थ्री, अब आपको बताते हैं पेट्रोल चोरी का एक और हाईफाई तरीका, जो मशीन से चोरी होने का है। ये चोरी नई मशीनों में ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि इन मशीनों में पहले से ही चोरी की सेटिंग कर दी जाती है। इस सेटिंग को ये बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट और जबरदस्त इंजीनियरों से करवाते हैं, जिसके बाद कर्मचारियों को खुद पेट्रोल चोरी नहीं करना पड़ता। मशीन खुद ऑटोमेटिक तरीके से 10 ml पर लीटर तक पेट्रोल चुरा लेती है। पर कुछ लोगों को इस छोटी सी चोरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन बातों पर ध्यान दे सकें। लेकिन दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही ये पेट्रोल के चोर पेट्रोल की एक एक बूंद चुराकर अपनी तिजोरियों में लाखों करोड़ों रुपए भर लेते हैं। पेट्रोल चोरी से कैसे बचा जा सकता है? अभी तक की इस वीडियो में हमने आपको पेट्रोल चोरी के बारे में बताया कि कैसे पेट्रोल की चोरी होती है। अब हम आपको पेट्रोल चोरी से कैसे बचना है ये बताते हैं। अब जब भी तेल भरवाने पेट्रोल पंप पे जाएं, वहां हमेशा लगे डिजिटल मशीन से ही तेल भरवाएं। कभी भी पुरानी मशीन से तेल नहीं भरवाना चाहिए, क्योंकि जिस पेट्रोल पंप पे पुरानी मशीनें लगी होती हैं, वहां पर धोखाधड़ी के चांसेस ज्यादा होते हैं और आप इस तेल की चोरी को कभी पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए सरकार ने इस तेल की चोरी को खत्म करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए हैं, जिसके लिए हर पेट्रोल पंप पे डिजिटल पेट्रोल मशीन लगाई गई है, जिससे पेट्रोल की चोरी को रोका जा सके। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं और अगर आप देखें कि मशीन की रीडिंग अचानक तेजी से चल रही है, आप समझ लीजिएगा कि उस मशीन में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। और इसके लिए आपको ये भी अधिकार है कि आप वहां पर काम करने वाले कर्मचारी से कह सकते हैं कि इस मीटर की रीडिंग को आप स्लो कर दीजिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाएं तो एक बात पर गौर जरूर कीजिएगा, आपकी गाड़ी की टंकी आधे से ज्यादा भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की टंकी में हवा की मौजूदगी होने के कारण तेल की मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से तेल कम भरा जाता है। एक विशेष बात और हम आपको बता दें कि कभी भी राउंड फिगर की रकम में तेल नहीं भरवाना चाहिए, जैसे कि 100, 200, 500 इस तरह से, क्योंकि कई पेट्रोल कर्मी इसका गलत फायदा उठा लेते हैं।
या पहले से ही रीडिंग मशीन को फिक्स करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको तेल कम मिलता है। इस पेट्रोल चोरी से बचने के लिए आपको हमेशा 90, 190, 490 रुपए का तेल डलवाना चाहिए। यदि आपके पास चार पहिया या कोई बड़ा वाहन है तो आपको हमेशा गाड़ी से उतर के ही पेट्रोल भरवाना चाहिए, जिससे आप अपने पास खड़े कर्मचारी को देख सकें कि वो सही से तेल डाल रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आप गाड़ी में बैठे रहेंगे तो पेट्रोल कर्मचारी इसका गलत फायदा भी उठा सकता है, इसलिए आपको मीटर मशीन पे भी ध्यान देना होगा। क्या आप जानते हैं भारत में 60,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप बने हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जब भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाने जाएं तो पूरी सावधानी बरतें, सारी बातों को ध्यान में रख के ही तेल डलवाएं। हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी हम पेट्रोल की चोरी को रोक सकेंगे। धन्यवाद।